नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 मिनट में एक और बढ़िया सा स्नैक्स, जो कि काला चना और सेमोलिना से बना है। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए मैंने चने को रात भर भिगो के रखा था और उसे बॉयल कर लिया है, उबाल लिया है। ये काला चना है, इसमें मैं 1 कटोरी काले चने का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पीसने में दिक्कत आए तो थोड़ा इसका जो पानी है काले चने का वो यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है आपने। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। हरी मिर्च डाल रही हूँ, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और दही, दही यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है 1 कटोरी काले चने में, और 1 टीस्पून हरी चटनी। अब ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, इस तरह से इसकी थिकनेस रहेगी, मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। अब एक बोल लेंगे और उसमें 4 टेबलस्पून हमने सेमोलिना ली है यानी सूजी, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, भुना और पिसा हुआ, थोड़ा सा नमक। नमक 2 बार यूज हो रहा है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और हम इसमें पिसा हुआ जो हमारा चने का मिक्सचर है वो हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और उसमें हम हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सेमोलिना रखने के बाद फूलती है तो इसको हमने 15 मिनट के लिए रखना है, तो ये और टाइट हो जाएगी। जो डो है आपने काफ़ी टाइट रखना है। अब ये 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी शेप बना लेंगे। तो किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, जैसे आपने आलू के स्नैक्स देखे थे उसी तरह से। तो मैं यहाँ पे इसको एक नई शेप दे रही हूँ, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। आप देख रहे हैं डो काफ़ी टाइट है। मैंने सभी जो चने का जो मिक्सचर है उसकी सभी शेप दे दी है और बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आलू के स्नैक्स में भी और इसमें ये वाले स्नैक्स में भी, दोनों में ही आपने डो टाइट रखना है। अगर आपको लगे लूज़ है तो इधर सूजी मिला सकते हैं, और आलू वाले स्नैक्स में आप पोहा मिला सकते हैं। अब इनको करारा होने तक आपने सेक लेना है, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ये, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। हरी चटनी और सॉस के साथ आप खा सकते हैं इन्हें। काले चने और सेमोलिना की जो रेसिपी है हमारी बनके तैयार है। आप बना के ज़रूर देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।